उसको डाल देंगे गाइस, ये हमारा टिकटॉकर है। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो कैसे आप सभी लोग, होपफुली अच्छे होंगे। गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह घर से, क्योंकि आज है हमारी स्कूल की छुट्टी और डीएम का ऑर्डर आया था कल, तो उस कारण उन्होंने छुट्टी दी है, क्योंकि आज देहरादून में हैवी अलर्ट है बारिश का और बहुत जगह हो भी रही है बारिश। तो पर यहाँ पर तो अभी थोड़ा साफ पड़ा है मौसम, देखिए रात को हुई थी बहुत तगड़ी बारिश और अभी तो साफ़ हो चुका है मौसम, सुबह भी हो रही थी थोड़ी बहुत। और लगता है डीएम ने मेरी बात सुन ली, क्योंकि कल मैं उनकी बुराई कर रहा था थोड़ी बहुत, तो उन्होंने आज छुट्टी कर दी। और मुझे पता है वैसे आज बारिश होने की नहीं थी, क्योंकि पिछले साल भी ऐसी हुआ था कि जब जब डीएम छुट्टी देता था तब तक बारिश होती नहीं थी उसी दिन। तो देखते हैं अभी, और अभी थोड़ा घर का काम वगैरह करता हूँ और थोड़ी देर में मिलता हूँ आपको। वैसे टाइम अभी 9 बज चुके हैं और सुबह उठ गया था मैं जल्दी, क्योंकि ट्यूशन थी मेरी 6 बजे। अब देख रहा हूँ मैंने सिर पर तेल भी लगा रखा है और थोड़े बड़े करने के लिए बाल मैंने सुनाए होते हैं। वैसे मैंने आज तक लगाया नहीं है तेल, मतलब बचपन में लगाया होगा मेरे मम्मी पापा ने मेरे, पर उसके बाद मैंने बड़े होकर लगाया नहीं बिल्कुल भी। और आज बड़े दिनों क्या महीनों बाद लगा रहूँगा, क्योंकि अगर उसने बहुत गंदे बाल काटे थे मेरे, छोटे छोटे कर दिए थे, तो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इन्हें जल्दी जल्दी, तभी थोड़ा सही लगेंगे। तो देखते हैं अभी, और अगली बार से नहीं कटाऊँगा गाइस उससे बाल। तो गाइस अभी घर के काम वगैरह हो चुके हैं और बनना है नहीं अभी, क्योंकि पहले मैं सोच रहा हूँ इस कमरे की थोड़ा सेटिंग चेंज कर देता हूँ। सेटिंग मतलब सामान इधर से उधर करना, और पंखे की आवाज़ आ रही है, थोड़ी गर्मी है तो पंखा चला देना मैंने, तो तब करता हूँ सेटिंग चेंज, उसके बाद घूमा फिर मिलता हूँ। कमरे की सेटिंग हो चुकी है सेट, और ये देखिए कुछ ऐसा लग रहा है कमरा, अभी दिखाता हूँ आपको लाइट खोल के। देखिए पहले यहाँ पे बेड लगा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया सोफ़ा, और इधर था सोफ़ा तो इधर बेड लगा दिया, और ऐसे कुछ है ये देखिए। तो और अभी नहा के भी आ चुका हूँ, तो अभी करूँगा नाश्ता। और गाइस गैस करो आज नाश्ते में क्या बनाए, क्योंकि बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में एक ऐसी चीज़ है जो ऑलमोस्ट सभी लोग खाते हैं और उसका स्वाद ही अलग है बरसात के मौसम में। तो गैस करो और अभी लेकर निकालता हूँ मेरा नाश्ता। और गाइस तेल लगा के बाल इतने सही हो चुके हैं ना, तो मैं सोच रहा हूँ रोज़ लगाना शुरू कर देता हूँ, और बहुत अच्छा है वैसे, क्योंकि नारियल तेल है, नारियल तेल अच्छा होता है बालों के लिए। तो और अगर आपको पंखे की आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि पंखा चला रखा है मैंने। तो गाइस बिना टी शर्ट के इसलिए घूम रहा हूँ क्योंकि थोड़ी गर्मी हो रही है, भले ही मौसम कैसा भी हो पर मुझे बहुत गर्मी लगती है, तो अगर मैं नहा के भी आता हूँ तो उसके बाद भी पसीना आता है, तो इसलिए मैं थोड़ी देर बिना टी शर्ट के रहता हूँ। और तो अगर जब जैसे देख रहा हूँ मैं पसीना भी आ रहा है बहुत, तभी तो मैं पंखा वगैरह चला के रखता हूँ। तो अभी देखता हूँ नाश्ता दिखाता हूँ भाई नाश्ता। तो पहले गाइस खाने से पहले करते हैं पूजा, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, भगवान को अपने साथ रखना चाहिए। अगर हम भगवान को पूजेंगे तभी भगवान हमारा साथ देगा और तभी कुछ हो पाएगा हमारा आगे जाके। तो अभी करता हूँ पूजा और मिलता हूँ। तो गाइस अभी पूजा वगैरह भी हो चुकी है, और ये देखिए यहाँ पे मेरे पास है टिक्का, तो अभी लगाता हूँ इसे। ये देखिए वैसे उंगली से अच्छा नहीं लगता गाइस, लगाना मुझे तो लग चुका है, वैसे ये पसीने के साथ बह जाएगा क्योंकि ये देखिए इतना पसीना हो रहा है। वैसे पहले से लगा दिया और इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ ठीक लग रहा है, देखो अब ठीक लग रहा है ना, और पसीना देखो गाइस पसीना आ गया पूरा, वैसे थोड़ी देर में मिट जाएगा क्योंकि पसीना बहुत आ रहा है। तो इसे रखते हैं यहाँ पे वापस, और जय माता दी। तो अब चलते हैं अपना नाश्ता करने। ये चेक करेगा गाइस, पूरी भर के पकौड़ी बनाई है गाइस मम्मी ने, आठ भर के। तो अभी निकालता हूँ मेरे नाश्ता, दो प्लेट की निकाल दी मैंने। स्वादी देखिए भाई कितनी स्वादी है देखिए, और अगर स्कूल होता ना गाइस आज तो इसे स्कूल ले जाता। पहले यहाँ की लाइट वगैरह बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ काम नहीं है, और किचन की भी कर देता हूँ।
तो अब करते हैं नाश्ता। अबे यार हाँ पानी तो है गाइस। और गाइस बरसात के मौसम में अगर किसी ने पकौड़ी नहीं खाई, वो भी अगर देहरादून के मौसम में, तो भाई लालत है भाई तुम पे लालत, तो ज़रूर खाना। वैसे भी आजकल हाई अलर्ट है बारिश का, तो और वैसे भी करना तुमने कुछ नहीं, बाहर तो जाओगे नहीं, तो घर में पकौड़ियाँ बनाना और खाना। वैसे बहुत अच्छे लगते हैं गाइस बरसात के मौसम में, तो और मज़ा आता है। तो और अभी खाता हूँ इसे गाइस। एक नंबर हो रही है पकौड़ी, एक नंबर, मज़ा आ गया खा के। तो गाइस ब्लॉग भी आ चुका है, देखिए 10 बज चुके हैं, और इस वाले को करता हूँ अभी कंटिन्यू। पहले खा लेता हूँ थोड़ी पेट पूजा, फिर काम धोजा। और गाइस अभी मैं आया था बाल बनाने, पर मेरे बाल नहीं बन रहे, ये देखिए अजीब से हो गया। मैंने आगे कर दिया था ना ऐसे, जब नहाया था ऐसे, तो ये अजीब से हो गया। और मैंने कहा था आपको टिक्का मिट जाएगा, तो टिक्का मिट चुका ही देखिए, और बाल नहीं बन रहे यार। मुझे दोबारा भिगवाने पड़ेंगे लगता है, मुझे दोबारा धोने पड़ेंगे लगता है। देखिए ज़रा कैसे हो गया अजीब से, उजड़ा चमन से हो गया, उजड़ा चमन शिट यार, या तो ऐसे रहना पड़ेगा। और गाइस एक और बात, हमारे आज 10 डेली ब्लॉग कम्प्लीट हो चुके हैं, तो जो आज ब्लॉग आया वो 10वां ब्लॉग है डेली ब्लॉगिंग का, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी, और बहुत बड़ी बातें मिल रही है। तो माता रानी का आशीर्वाद है, देखिए माता रानी का आशीर्वाद है, और माता रानी बरसाए रखे हमारे आशीर्वाद, अपना बनाए रखे, और उनका आशीर्वाद की वैसे हुआ है सब कुछ। तो मिल रही बहुत बड़ी बातें है, और चैनल पर 4000 व्यू भी कम्प्लीट होने वाले हैं, और बहुत जल्दी हुए हैं वैसे, क्योंकि अभी एक दो दिन पहले 3000 कम्प्लीट हुए थे, और आज कम अभी 100-150 चाहिए होंगे 4000 के लिए, तो वो भी करवा देना इस वाली वीडियो में। वैसे बारिश का मौसम हो रहा है, पर बारिश हो ही नहीं है सुबह से, और DM मैंने बताया था आपको, DM जब छुट्टी देता है तो धूप निकलती है, मुझे लग रहा है आज भी वही सीन होने वाला है। और वैसे 2-3 दिन का अलर्ट है बारिश का देहरादून में, तो देखते हैं होती कि नहीं होती। सो भाई बारिश शुरू हो चुकी है, और DM की छुट्टी का चलो कुछ काम तो आई है DM की छुट्टी, और अभी बाहर जाके दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई ये बच्चे ऐसे नहाते रहते हैं, मेरा भी मन करता है, पर मैं सुबह नहा चुका हूँ तो फ़ायदा नहीं है। इसका डांस देखेगा इस, ये हमारा टिकटॉकर है, इसका इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सब फॉलो कर लेना, और इसकी रील्स भी देखना है ना। गाइस जब से कोरोना वगैरह का सीन शुरू आने, देखिए मास्क देखिए जरा कितने मास्क रहते हैं हमारे घर में, और पहले का समय सही था गाइस, ना कोई टेंशन थी, कहीं भी घूम लो बिना मास्क के एक जगह से दूसरी जगह। और अब तो भयंकर इसमें इतनी घुटन होती है ना गाइस, बता नहीं सकता, क्योंकि हम तो स्कूल वाले बच्चे हैं, तो हम क्लास में रहते हैं, तो क्लास में भी गर्मी वगैरह होती है बहुत। मैं तो मास्क हटा के घूमता हूँ स्कूल में, वैसे अब इतना है नहीं कोरोना, तो बस यही विनती है भगवान से कि जल्दी से जल्दी पूरा ख़त्म हो जाए, जड़ से मिट जाए पूरा। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 7, और अभी सो के उठाऊँ थोड़ी देर पहले, मतलब मैं कम से कम 2 बजे सोया था, और मैं उठाऊँ 6 बजे सो के, और मैं जा रहा हूँ अपनी बहन को स्कूटी सिखाने, तो वो नहीं दिखाऊँगा आज, क्योंकि हर वीडियो में वही दिखाता हूँ ज़्यादातर। और मौसम देखिए हो चुका है, मतलब बारिश का मौसम तो है अभी भी, मतलब अच्छे से खुला नहीं है मौसम, और रात को बारिश आएगी मुझे लग रहा है, तगड़ी वाली बारिश आएगी रात को। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं दुकान, और भाई को ज़रा जूते लेने कुछ, तो और कुछ खा के भी आएंगे, तो अभी चलते हैं। और मौसम थोड़ा खुल चुका है अभी, ये देखिए, पर बारिश तो आएगी, लिख के दे सकता हूँ बारिश तो आएगी आज। गाइस ये देखिए, ये वो नाला जो IT पार्क से आता है पानी, और पूरी रोड में कीचड़ होता रहता है इस कारण, और अभी भी चल रहा है वहाँ पानी, देखिए कितना गंदा पानी है। और ये तो जो IT पार्क का पूरा पानी बह के यहाँ पे आता है सड़क में, तो वही पानी है ये। गाइस अभी हम आए थे गुटखा खाने, इसका भी अलग ही मजा आएगा इस, और जूते वगैरह भी ले चुके हैं इसमें, और इसका भी अलग मजा आएगा इस सर्दियों में भुट्टे का, तो अभी इसे खाता हूँ, और आपको अभी भुट्टा ही दिखाता हूँ भाई, जाके भुट्टा चल रहा है।
सेव ट्रीज़ को लेकर, क्योंकि आपको पता है देहरादून में बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं। तो ये देखिए, देखिए गाइस यहाँ पे चल रहा है प्रोटेस्ट। हमारा काम है अपने दिल को भी समझाना कि हम एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। हार या जीत वो बात ही बात है, रास्ता हम सब एक बहुत अच्छा है और इस रास्ते के लिए हम सबको सलाम। थैंक यू, मीट अगेन गाइस। बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं लोग। तो आपको पता है देहरादून में पेड़ वगैरह कट रहे हैं, तो इसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट उठा रखा है। तो वैसे मेरे हिसाब से कुछ होने तो नहीं वाला है, पर उनकी कोशिश जायज़ है करना, क्योंकि पेड़ के बिना तो गाइस कुछ है ही नहीं दुनिया में। और अगर पेड़ ही काट रहे हैं तो हम तो बचेंगे ही नहीं कुछ, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी इतनी ज़्यादा। तो एकदम सेक्सी बुट्टा हो रहा है, और अभी पहले मोमो वगैरह खाएंगे यहाँ से, तो मिलता हूँ आपको। तो गाइस मोमोज तो हो चुके ख़त्म, और हमने लिया है कुछ नया ट्राई करते हैं, कहीं पनीर कुलचा। हाँ पनीर कुलचा कुछ है, और साथ में चिप्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लिए, तो इसे खाता हूँ। और तो गाइस अभी एडिट वगैरह हो चुका है, और बस ये वाला सीन डालने के लिए रह चुका है। तो टाइम हो गया 8:30, इस करता हूँ अब इस व्लॉग को एंड। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलता है आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बी सेफ एंड लिव हैप्पी। बाय।